बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे व्यूअर्स, आज मुझे कोई फूड रिव्यू नहीं लेना, मुझे एक बिहेवियर रिव्यू देना है। हुआ ये कि हम एक रेस्टोरेंट पहुँचे हैं, वहाँ पर हमें लंच लेना था और बुफे लेना था, उसके बाद हमें रिव्यू भी अपना देना था। असल में शुरू से ही हमें खाने पीने का बड़ा शौक़ रहा है, वो इसी शौक़ के बदौलत हमने यानी गोल्ड मेडलिस्ट शेफ की हुआ बन गया। खाने पीने का शौक शुरू से ही हमेशा रहा और इसी शौक के चलते मैंने शेफ़ कोर्सेज किए जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। इसी शौक की बदौलत खाने पीने का जो शौक़ था, फिर हम जगह जगह जाने लगे, खाने पीने लगे, फिर अपना चैनल भी बना लिए इसी वजह से कि अपना शौक़ भी पूरा होता रहेगा और कुछ फूड रिव्यूज़ भी मिलते रहेंगे। इसमें मकसद अपना पैशन बनाना नहीं था, बस अपने शौक की थोड़ी तस्कीन करनी थी। आज हम एक लंच लेने के लिए बुफे में गए, एक रेस्टोरेंट में गए, लंच बुफे होता है उनका। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका स्टाफ हमेशा ही बहुत अच्छा होता है और लंच भी बहुत अच्छा होता है। अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से उनका लंच बुफे नहीं था आज। कुछ गलती हमारी भी थी कि हम बुकिंग करा कर नहीं गए थे। हमने सोचा था वहाँ पर करीब में एक और जगह चले गए हम लोग। वहाँ जब पहुँचे तो उनसे उनका पहले हम फूड खा चुके थे, अच्छा लगा था। आज जब हम गए तो मैंने उनसे जाके पहले तो इजाज़त ली कि हम एक वीडियो भी शूट करना चाहते हैं और खाना तो खाना ही है, भूख लगी है। तो वो उनका बिहेवियर सातवें आसमान पे पहुँच गया। वो ऐसे हो गए कि जैसे पता नहीं हमने क्या उनको डंडा मार दिया, क्या बात कर ली उनसे। नहीं, उन्होंने पहले तो वीडियो शूट करने की इजाज़त दी, फिर वीडियो शूट करने की इजाज़त दी तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप मेरा इंटरव्यू नहीं करेंगे और जल्दी करते जो करना है, ठीक है, इंटरव्यू नहीं करेंगे। वो अपनी जगह से उड़ गए और उसके बाद उन्होंने एक तो चले वीडियो शूट करना एक अलग रहा, इंटरव्यू करना अलग रहा। हम तुमके कस्टमर हैं, कस्टमर्स के साथ अगर आप ऐसे बात करेंगे तो फिर हम क्या रिव्यू देंगे आगे। मैं अभी चाहूँ तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ मैं उनके, लेकिन आप एक चीज़ सोच लें कि मेरा ताल्लुक यूट्यूबर फैमिली से है। मैं जिन यूट्यूबर्स ने, जिन बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने आपके बिजनेस को माशाल्लाह दबाव दिया, मेहनत तो आपकी भी होगी, जायका आपका भी काम कर रहा होगा, लेकिन अगर वो यूट्यूबर्स ना होते जिन्होंने आपकी वीडियोज़ बना के आपको सातवें आसमान पर चढ़ाया है, अगर वो यूट्यूबर्स ना होते तो आप कैसे चलते। तो देखें, वा तो इसो मंतशा वा तो जिलो मंतशा, अल्लाह ताला इज्जत देता है तो जिल्लत भी वही देता है। तो मेरे ख्याल से ये जो यूट्यूबर्स हैं, हम जो यूट्यूबर्स हैं, जो छोटे यूट्यूबर्स भी हैं, जो मैं अगर मुझसे बड़े यूट्यूबर्स हैं मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, जो मुझसे छोटे हैं जो मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं मैं उनके लिए मेंटर बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बात सारी ये है कि अगर हम यूट्यूबर्स की फैमिली है और हम आपसे कोई बात करते हैं, हम आपसे किसी किस्म का फेवर नहीं चाह रहे होते, हम आपसे ये नहीं कह रहे होते कि आप अपने फूड में हमें डिस्काउंट दें, लेकिन कम अज़ कम ऐसे कस्टमर इज्जत तो दें, ऐसे एक पर्सन हमें इज्जत तो प्रोवाइड करें। आप तो बात ही ऐसी करते हैं कि कस्टमर आपके पास कैसे आएगा। फिर भी जब भी आपकी वीडियो बनेगी मैं आपको बहुत अच्छा ही रिव्यू दूंगा। बट बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत सारी जगहों पे ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे फूड हमारे टेस्ट के मुताबिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम वो सारी बातें नहीं करते जो हम फील करते हैं। हम आपका जो टेस्ट है वो आगे तक अच्छे तरीके से पहुँचाते हैं, मैसेज अच्छे तरीके से पहुँचाते हैं, फिर लोग आपके पास आते हैं। हम आपसे किसी किस्म की वो फेवर नहीं चाहते, लेकिन आपसे फेवर सिर्फ ये चाहते हैं कि आप रिस्पेक्ट तो करें, आपके पास आने वाले हर कस्टमर की रिस्पेक्ट तो करें। वो रिस्पेक्ट का तो मुस्तहिक है ना आपसे। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि वीडियो अगर आप तक पहुंच जाए तो आप देखिएगा जो, और अपने बिहेवियर पे थोड़ा सा कंट्रोल भी कीजिएगा, क्योंकि फिर मैं वही बात करूँगा। वातुजिल वातुजिल मंतशा वातुजिल मंतशा।